नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स के स्पेशल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आपको एग्जाम में कैलकुलेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और बाकी सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है, तो उसको अप्रोच कैसे किया जाए ये मैंने आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको हर एक कॉस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका फॉर्मूला बताया है और इसके बाद में अप्रोच कैसा हो एग्जाम में ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूलास को एक्सप्लेन किया है और सारे कॉलम्स को भी एक्सप्लेन किया है। आपको एग्जाम में सबसे पहला कॉलम मिलेगा यूनिट ऑफ आउटपुट का। यूनिट ऑफ आउटपुट का मतलब है क्वांटिटी प्रोड्यूस, इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। इसके बाद वाला कॉलम होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं TFC, इसका मतलब है कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द टेबल, ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। इसके बाद वाला कॉलम है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग TVC कहते हैं, कॉस्ट विच वेरीज विद द साइज ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अगर आपको ये दिया नहीं गया, मोस्टली आपको ये दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको TVC नहीं दिया तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। अगर आपको TVC नहीं दिया तो आपको टोटल कॉस्ट दे देंगे या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे देंगे, जिससे आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट अच्छे से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, अगर दिया नहीं गया तो टोटल कॉस्ट, अगर दिया तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद वाला कॉलम होता है टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का मतलब है सम ऑफ TFC प्लस TVC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसके बाद वाला कॉलम है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका फॉर्मूला है TFC अपॉन Q। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसका फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। एवरेज कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट पर आउटपुट, इसका मतलब है TC अपॉन क्यू। मार्जिनल कॉस्ट आपका एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, जिसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड कॉलम माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, ये होना चाहिए TC2 माइनस TC1। आपको एग्जाम में एक प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपको दिया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 200 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन इन द कॉलम। ये प्रॉब्लम दोस्तों आपको मार्च 2008 में आया था, मार्च 2010 में आया था और नवंबर 2013 में आया था, तो मैंने आपको ये कॉलम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AC और MC ये टेबल बना के निकालना है। तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, ये आपको टेबल दिया गया है, इसमें आपको यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिया है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है। तो सबसे पहले आप ये टेबल को ड्रॉ करें। इसके बाद में आपका स्टेप नंबर 1 होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप फिलअप करें, यानी आपको टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिया है 1 से 6, इसके बाद में आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया है और आपको गिवन में बताया है TFC इज 200। तो TFC का कॉलम ड्रॉ करें और आपको लिखना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 200। इसके बाद में आपका स्टेप 2 क्या होना चाहिए, आपके पास TFC और TVC है तो आपको उन्हें ऐडअप करके टोटल कॉस्ट बनाना है, यानी टोटल कॉस्ट होगा 200 प्लस 60 इज इक्वल टू 260, 200 प्लस 116 316, ये कॉलम प्लस ये कॉलम 360, इसके बाद में 408, इसके बाद में 500 और 540, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। तो आपको 200 डिवाइड बाय 1 होगा 200, 200 डिवाइड बाय 2 होगा 100, आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये आपका स्टेप नंबर 3 होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना। 200 डिवाइड बाय 3 इज 66.67, 200 डिवाइड बाय 4 इज 50, 200 डिवाइड बाय 5 इज 40, 200 डिवाइड बाय 6 इज 33.33। आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपको गिवन में दिया है उसको आपको नंबर ऑफ यूनिट्स यानी आउटपुट से, यानी 60 डिवाइड बाय 160, 116 डिवाइड बाय 2 इज 58,
160 डिवाइड बाय 3 आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 160 डिवाइडेड बाय 3 इज 53.33, 208 डिवाइड बाय 4 इज 52, 200 डिवाइड बाय 5 इज 60, 200 डिवाइड बाय 6 इज 56.67। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 4। इसके बाद में आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट, जो कि होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इनका एडिशन। तो 200 प्लस 60 होंगे 260, 100 प्लस 58 158, 66 प्लस 67 इज 120, 50 प्लस 52 102, 40 प्लस 60 इज 100, एंड 33.33 प्लस 56.67 इज 90। बाद में आपका आखिरी कॉलम जो कि है मार्जिनल कॉस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला कॉलम है, आपको कुछ इस प्रकार से करना है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट का सेकेंड कॉलम, यानी 316 माइनस 260 हो गए 56। पहला कॉलम हमेशा डैश होगा क्योंकि जीरो का कॉलम हमें दिया नहीं गया है, तो 260 माइनस जीरो कुछ होता नहीं है, इसलिए पहला कॉलम हमेशा डैश होगा। लेकिन टोटल कॉस्ट का सेकेंड कॉलम है 316, 316 माइनस 260 56, 360 माइनस 16 44, 408 माइनस 360 इज 48, 500 माइनस 408 इज 92, एंड 540 माइनus 500 इज 40। आपका टेबल कंप्लीट होता है। और यहाँ पे गिवन कॉलम थे हमारे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। लेकिन अगर आपको ये टीवीसी का कॉलम नहीं दिया है, अगर आपको टीसी का कॉलम दिया है, तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है। 260 माइनस 200 इज 60, 316 माइनस 200 इज 116, 360 माइनस 200 इज 160, यानी टीसी माइनस टीएफसी इज इक्वल टू टीवीसी। और अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम अगर दिया है, तो इससे आपको टीवीसी कैसे निकालना है, तो एवीसी इंटू क्यू इज इक्वल टू 60, 58 इंटू 2 इज 116, 53.33 इंटू 3 इज 160, 52 इंटू 4 इज 208, एंड 60 इंटू 5 इज 300, 56.6 इंटू 6 इज इक्वल टू 314। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।